कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ओबीसी को प्रॉब्लम है तो अजमेर शताब्दी में एक सीट वो भी करवा दें, क्या दिक्कत है? बात की चीज है भाई, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए कि वो तुम बैठ के यहाँ धरना प्रदर्शन करोगे और सुनाओगे पूरे देश को तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इला इला, वही करे हो? यही डर है कि राम मंदिर, भव्य राम मंदिर बन रहा है, इस पे इनको दिक्कत है, इसीलिए हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। ओबीसी ने बहुत सही बोला है, ये नए धर्म के बारे में ये सब नहीं होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। पीएम मोदी ने रविवार को वाराणसी से काशी महाकाल एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। ये एक्सप्रेस ट्रेन वाराणसी से इंदौर तक जाएगी और बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी को महाकाल की नगरी उज्जैन से जोड़ेगी। दो ज्योतिर्लिंग को जोड़ने वाली इस ट्रेन में भगवान भोलेनाथ के लिए भी एक सीट आरक्षित की गई है, जो AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी को अखर रही है। कोच B5 में रिजर्व की गई 64 नंबर की सीट पर सवाल उठाते हुए ओवैसी ने पीएम मोदी को संविधान की याद दिलाई है। असदुद्दीन ओवैसी ने संविधान में दिए सेकुलर शब्द को आधार बनाकर इस ट्रेन में भगवान के मंदिर की स्थापना को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा तो देश की जनता ने किस तरह जवाब दिया, जरा आप भी देखिए। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? ये कहने का मतलब है कि इस चीज़ से ओबीसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, अन्यथा जैसे ऐसी तो है नहीं कि सिर्फ ये ट्रेन मोदी जी ने चलाया है, जैसे कई ट्रेन चली जैसे अजमेर शताब्दी हो गई तो हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है या मोदी को कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें ओबीसी को प्रॉब्लम नहीं, क्या अधिकार है बताइए? ये देश का है, सिर्फ क्या ओबीसी जी निर्णय करेंगे? क्या जनता और नहीं सवाल उठा सकती क्या? ओबीसी जी पूछने वाले कौन होते हैं आप मुझे बताएंगे? अजमेर शताब्दी चली तो हमने तो नहीं पूछा, हमने तो उनसे कोई सलाह नहीं लिया। देश के प्रधानमंत्री हैं, वो कोई गलत तो कर नहीं रहे, सब जनता के लिए कर रहे हैं। किसी जनता को प्रॉब्लम तो ओबीसी जी को क्या प्रॉब्लम है? दिक्कत है नहीं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक सीट आरक्षण से कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ओबीसी जी को प्रॉब्लम है तो अजमेर शताब्दी में एक सीट वो भी करवा दें, क्या दिक्कत है? उनकी ट्रेनें चल रही है, एक ट्रेन वो भी करवा लें, जिस तरह ये हिंदू समाज के लिए चल रही है उसमें हिंदू समाज के लिए चल रही है, किसी जनता को कोई प्रॉब्लम है नहीं, उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है? क्या लगता करते हैं ओबीसी जी का सारा काम है भड़काने वाला, क्योंकि उनका मैं कई बार देखता हूँ टीवी पर देखता हूँ, वो सारी चीज़ें ऐसे गलत बोलते हैं, सिर्फ जातिवाद के खिलाफ बोलते हैं, ये चीज़ें ठीक नहीं है। तो संसद में अभी अभी जब जिस संसद में वो बैठे थे, हमारे सांसद प्रवेश वर्मा जी और तमाम सांसदों ने दिखाया प्रस्तावना का एक एक फोटो दिखाया, उसमें भगवान शंकर का फोटो है, उसके एक पृष्ठ पे भगवान राम जानकी और उनके पूरे परिवार का फोटो है, और यह संस्कृति, यह परंपरा, यहाँ की सभ्यता, भगवान राम ने खुद शिवलिंग की पूजा की और अयोध्या से निकले और रामेश्वरम तक पहुँचे, मैंने पूरा देश को एक करने का काम हमारे आदर्श महापुरुषों ने किया है, सभी जातियों को भी समेटने का काम हमारे आदर्शों ने किया है, उसमें तुम आ गए है ना, फिर हमने अपने सीने में जगह दी, अब तुमको जलन हो रहा है? कहाँ संविधान के सबको, सभी धर्म में तो हिंदू नहीं है उस धर्म में आता है, जब सभी धर्मों की मान्यता है तो प्रधानमंत्री अगर ये बहुसंख्यक लोगों को एक छोटा सा सम्मान कर देता है तो तुमको चिढ़ हो रही है? किस बात की चिढ़ है भाई, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए कि वो तुम बैठ के यहाँ धरना प्रदर्शन करोगे और सुनाओगे पूरे देश को तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इला इला, वही करें हम अपने आप आदर्शों को ना माने, हम हमारे जो पूर्वज हैं उनकी पूजा पाठ भी ना करें? अगर ट्रेन में भगवान शिव का लिंग बन गया तो इसमें क्या दोष है यार? वह लिंग पूरे विश्व, पूरे ब्रह्मांड को संबोधित करता है, जानते तो कुछ हो नहीं, चूंकि तुम तो अब क्या कहूँ, एक धर्म है जिसमें यह बताया जाता है कि जमीन चिपटी है और उसको रोकने के लिए पहाड़ रख दिया ऊपर वाला, अब उसी धर्म के मानने वाले लोग क्या समझेंगे? दिक्कत यहाँ है। और वैसे क्या कहना चाहेंगे अपने समुदाय को इस तरीके से भड़काने का? अरे बिल्कुल, अभी परसों में उसका वो देख रहा था, क्या बोलते हैं स्पीच, वह किस तरह से भड़का रहे हैं इस देश में, इस देश के विकास से चिढ़ है भाई साहब, नहीं तो शाहीन बाग में बैठे हुए हैं। एक छोटा सा देश है जापान, जापान में आंदोलन करने के लिए जानते हैं क्या किया जाता है? उनको अगर कोई किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, उनको जूता बना रहे हैं तो एक पैर का जूता बनाते रहेंगे लगातार, लेकिन देश का प्रोडक्शन कम नहीं करते हैं। इसीलिए मोदी जी राष्ट्रवाद की बात करते हैं, चाइना के डेवलपमेंट का सबसे बड़ा कारण क्या रहा? उग्र राष्ट्रवाद। वहाँ अगर 8 घंटा आदमी काम करता है तो वह नहीं सोचता है कि मैं काम कर रहा हूँ, वह यह सोचता है मैं देश के लिए काम कर रहा हूँ। जिस दिन हर नागरिक यह सोचने लगेगा कि मेरा 5 मिनट अगर है तो वह देश के लिए है, तो यह देश दुनिया जो पहले सोने की चिड़िया थी वह फिर सोने की चिड़िया बने। देश का ओवैसी जैसा नेता बहुत सारे हैं, मणिशंकर अय्यर हो, ये हैं बरसाती मेंढक हैं, बरसात में कभी कभी निकलते हैं, ये बोलते रहते हैं और हिंदुओं के ऊपर ये टिप्पणी करते रहते हैं।
इनको यही डर है कि राम मंदिर भव्य राम मंदिर बन रहा है, इस पे इनको दिक्कत है, इसीलिए हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल भड़का रहे हैं ओबीसी जैसा नेता, बिल्कुल समुदाय को, मुसलमान समुदाय को भड़का रहे हैं और दंगा करवाना चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे ओबीसी को? ओबीसी के ऊपर तो करे सुप्रीम कोर्ट कानून, उसके ऊपर कानून बनाए और जेल में डाले सुप्रीम कोर्ट ओबीसी को और उसके भाई को भी। देश तोड़ने बिल्कुल साजिश कर रहे हैं ये। अब सीए का इतना अच्छा कानून लाया, ये नागरिकता देने का काम किया सीए, उसका विरोध कर रहे हैं ये। शाहीन बाग में इतने दिन से बैठे हैं, तो ये हिंदू मुसलमान कर रहे हैं ना ओबीसी जैसे चंद नेता। ओबीसी ने बिल्कुल सही बोला है, क्या ये धर्म वाली बात हो जाएगी, हर धर्म के लोग ऐसे करने लगेंगे तो फिर ये काफी गड़बड़ आ जाएगा। तो क्या कहना चाहेंगे? ओबीसी ने बहुत सही बोला है, ये नए धर्म के बारे में ये सब नहीं होना चाहिए। देखिए वो गाड़ी एक आध्यात्मिक तौर पर तैयार की गई है, सात्विक तौर पर है, वहाँ तामसी आदमी तमोगुणी इस गाड़ी में प्रवेश नहीं करेगा। और दूसरी बात यह है कि भगवान शंकर के द्वादश ज्योतिर्लिंग है, 12 जगह उनके स्थान है, तो यहाँ विश्वनाथ से लेकर त्र्यंबकेश्वर ओंकारेश्वर वगैरह जो वहाँ स्थान है, इंदौर उज्जैन, उज्जैन भी दिया है शायद, उज्जैन में महाकालेश्वर, महाकालेश्वर का मतलब पता है, उज्जैन एक ऐसी नगरी है जिसपे हिंदू धर्म में क्या होता है कि जब कोई बच्चा काल सर्प युग में पैदा होता है तो उसका इलाज वहीं है, उज्जैन में है, नासिक में है, और ये 4 जगह बताया गया। तो उज्जैन एक मेन जगह है और उज्जैन में ही, मैं अपनी खुद की बात करता हूँ, मेरा नाम अजय शर्मा है, मेरे माँ के कई बच्चे हुए, कई ख़त्म हो जाते थे, तो मेरे पिताजी ने और मेरी दादी ने कहा कि उज्जैन में जाओ, वहाँ बात मतलब प्रार्थना करो, प्रणाम करो, जाके वहाँ आशीर्वाद लो, और वहाँ से ही, उज्जैन से ही मेरे जन्म की भी एक नींव पड़ी वहाँ से। मैं अपनी बात व्यक्तिगत बता रहा हूँ, इस बात उज्जैन की खासियत की बात कर रहा हूँ। तो सर इसलिए ओबीसी की अगर बात करते हैं, हम ओबीसी के जो बयान होते हैं उनके हमेशा ऊटपटांग बयान होते हैं ताकि हम चर्चित में रहें, टारगेट मतलब हाईलाइट रहें, और हमारा जो मुस्लिम समुदाय है जो हमारे साथ है वो हमें मानता रहे कि हमारी चिंता करते हैं और गलत और सही का यही अच्छा जानते हैं। तो ये बिल्कुल बेबुनियाद गलत बयान, उनकी निंदा होनी चाहिए, निंदा ही नहीं तो दरिंदा है। फिर तो अगर वो आध्यात्मिक तौर पर चोट दे रहे हैं शिव जी की बात से क्या लेना देना है इनको, प्रधानमंत्री जी हैं। अगर वो आप तो अजमेर शरीफ के लिए भी गाड़ियाँ चलती हैं, लाई नहीं जाती हैं, ख्वाजा साहब के लिए कई चलाई गई हैं, इधर दिल्ली से क्या नाम है बिहार से चलती हैं कई गाड़ियाँ, जो बिहार से सीधी राजस्थान जाती हैं, अजमेर शरीफ जाती हैं, तो इसमें उनको किसी ऐसे गलत सूचना नहीं चाहिए, ना कोई बयान ऐसे देने चाहिए, वो बिल्कुल बेवकूफ़ वाली बात है। पर जो ट्रेन चलाई गई है वो हिंदूवासियों के लिए शिव शंकर के हिसाब से चलाई गई है, तीर्थ स्थल जो हिंदुओं के लिए, तो उसमें अगर शिव का नाम आता तो क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है। ऐसे ही अगर इस्लामिक लोग, इस्लाम लोग या मुगल लोग अपना कोई चलाते हैं, कोई ट्रेन या कोई चीज़ करते हैं, वो अपना नाम रख कर चलाएँ, और क्रिश्चियन अगर कोई चलाते हैं, बनाते हैं मतलब चर्च के लिए या किसी के लिए, तो वो अपना कुछ कर सकते हैं, तो वो अपना नाम रख सकते हैं, क्या बुराई है? सबको अपना अपना स्वतंत्र अधिकार है अपने धर्म अपने धर्म के हिसाब से चलने का। ट्रेन चला वो जिस पर से चलाई गई है और जहाँ वो जा रही है, अगर उसमें शिव का नाम जोड़ा है तो मेरे हिसाब से कोई गलत नहीं है। वो किया कि सब भारत एक धर्म उसके जैसे कि ये क्या है कि ये जबरदस्ती का धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश है और कुछ नहीं है। एक्चुअल में आप लोग अगर इस्लाम के लोग कुछ करते हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं, वो अपने हिसाब से अपनी चीज़ें चलाएँ और अपना नाम रखें, तो क्या बुराई है? खुशी होती है, हमें कोई विरोध नहीं है उसका। ओबीसी क्यों विरोध करते हैं? विरोध नहीं करना चाहिए, अच्छी चीज़ है। आप उनको ये मांग करना चाहिए कि भाई हमारे धर्म के लिए भी कोई अच्छी चीज़ें चलाई जाए, अभी ट्रेन चलाई जाए, हाँ ये कर सकते हैं। वो वैसे कोई धर्म निरपेक्ष नहीं है, जब किसी धार्मिक उसके चलाई जा रही है तो धार्मिक, हम अपने घर में पूजा कराते हैं तो गणेश जी को पहला स्थान देते हैं, उनमें दे दी सी तो कोई बुरा नहीं किया। ओबीसी का तो ट्वीट करना ही बेकार है, वो आदमी नहीं है, वो हमेशा हिंदू मुस्लिम की राजनीति करता है। क्या कहना चाहते? दंगा भड़कता और कुछ नहीं है, जिसका एनआरसी भड़क रहा, दंगा भड़का दिया इन्होंने शाइन बाग में, फोटो कहीं फोटो को भेज रहे हो राजू को, ये पहली दफा होगा हिंदुस्तान के अंदर या गुरुद्वारे से आदमी निकलता है वो पस नहीं फूकता, इनकी मस्जिद से निकलता है आदमी वो पस फूकता है, टैर फूकता है, तोड़ फोड़ करता है। हमारे किसी हिंदू धर्म का कोई भी आदमी मंदिर से निकल के, गुरुद्वारे से निकल के, चर्च से निकल के कोई दंगा फसाद नहीं करता। चाहेंगे ओबीसी तो जी हमेशा ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहा,
वो सोच रहा है कि तू मुसलमानों को अपनी तरफ करके मुसलमानों का नेता बन जा। हाँ हाँ, धार्मिक स्वतंत्रता हर एक को मिलनी चाहिए संविधान के हिसाब से। मतलब धार्मिक स्वतंत्रता अगर है तो मतलब वो भी अपनी डिमांड कर लें। अगर एक धर्म के प्रति कोई सुविधा दी जा रही है तो वो दूसरे के लिए अड़चन नहीं बननी चाहिए। आप अलग अपने लिए डिमांड कर लो, वो अलग चीज़ है। जो ये ट्वीट है वो ट्वीट गलत किया है।